तिवारी, आपका अपने चैनल में मैं स्वागत करता हूं। आज मैं आपको कंडीशनल सेंटेंस के तहत इफ का प्रयोग और उसके साथ मिक्स कैन का प्रयोग बताऊंगा, और उस कैन का अर्थ सकता है, सकती है, सकते हैं, सको या सकते हो में आएगा, और इफ यदि के अर्थ में आएगा। लेकिन उससे पहले, सेंटेंस बताने के पहले, आप बोर्ड पर थोड़ा नजर डालिए और देखिए क्या सेंटेंस लिखे हुए हैं, क्या आप इसकी फ्रेमिंग बना पा रहे हो, क्या आप इसका स्ट्रक्चर बना पा रहे हो, क्या फार्मूले आप तैयार कर पा रहे हो। यदि नहीं तो मैं फार्मूले आपको बताऊंगा, लेकिन सेंटेंस को देख लेते हैं। समझ सको तो समझ लो या समझ लेना, समझ सको तो समझ लो या समझ लेना, मिल सको तो मिल लो या मिल लेना, मिला सको तो मिला दो या मिला देना, भुला सको तो भुला दो या भुला देना, क्षमा कर सको तो क्षमा कर दो या क्षमा कर देना, भूल सको तो भूल जाओ या भूल जाना, बता सको तो बता देना या बता दो, उसे मना सको तो मना लेना या मना लो। अगर इस तरह के सेंटेंस आ जाते हैं तो उसकी फ्रेमिंग क्या होगी, क्या आप उसको बना पाते हो। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि वर्ब की फर्स्ट पार्ट अदरवर्स प्लस इफ यू कैन, तो इफ यू कैन सभी के साथ रहेगा, क्योंकि जो है मैं आप से ही कोई सवाल पूछ रहा हूं या आपको ही इंडिकेट करके कोई कंडीशन ले रहा हूं, इसलिए यू ही आएगा। यहां पर यू को ही हमने लिया है, तो अदर वर्ड्स हो सकता है और ऑब्जेक्ट हो सकता है। अदर वर्ड्स अगर आपको आता है निकालना या ऑब्जेक्ट निकालना आता है तो ठीक है, अन्यथा मेरी वीडियो आप जाकर के देखिएगा, मिल जाएगा आपको। तो वर्ब के बाद यदि ऑब्जेक्ट आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद यदि कोई ऑब्जेक्ट आता है, वर्ब, फिर से सुनिए आप, वर्ब के बाद कौन सा वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद यदि ऑब्जेक्ट आपका आता है तो पहचानोगे कैसे, तो आप प्रश्न करेंगे क्या या किसको, व्हाट या हुम का प्रयोग करके आप पता लगा सकते हो, वहां पर आपको मिल जाएगा उसका उत्तर। अगर नहीं मिलता है तो अदर वर्ड्स है, अगर क्या और किसे या किसको का उत्तर मिलता है तो ऑब्जेक्ट होगा। तो सको तो, सकते हो तो, सकते हो तो, दो या दीजिए या देना, इस तरह से जो स्ट्रक्चर बनेगा हम देखते हैं। कुछ सेंटेंस मैंने लिखा है बोर्ड पर, आपको मैं बताता हूं क्या अर्थ निकलेगा। तो नो यहां का इंपरेटिव सेंटेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, नो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और इंपरेटिव सेंटेंस के तहत आज्ञा विनय प्रार्थना इसके लिए आता है। तो नो मी इफ यू कैन, नो मी इफ यू कैन, मुझे जान सकते हो तो जान लो, मुझे जान सकते हो तो जान लो, पहचान सकते हो तो पहचान लो, इस तरह से आप बोल सकते हो। कम हियर इफ यू कैन, कम हियर इफ यू कैन, यहां आ सकते हो तो आ जाओ, यहां आ सकते हो तो आ जाओ। अब यहां देखो मी और हियर को देखते हैं, तो मी यहां का ऑब्जेक्ट है, किसको जान लेना, मुझको जान लेना, ये ऑब्जेक्ट है। हियर क्या और किसको का क्या अर्थ दे रहा है, कम हियर, कम हियर, कौन आ जाए, क्या किसको का अर्थ, कुछ अर्थ मिला नहीं मिला, इसलिए यहां का अदर वर्ड्स है और ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अंडरस्टैंड इफ यू कैन, समझ सको तो समझ लेना, समझ सको तो समझ लो, समझ सको तो समझ लो। स्टॉप इफ, स्टॉप इफ यू कैन, रोक सको तो रोक लो, रोक सको तो रोक लो। सिट हियर इफ यू कैन, बैठ सको तो यहां बैठ लो थोड़ी देर के लिए। सिट हियर इफ यू कैन, अगर बैठना चाहो तो बैठ लो, बैठ सकते हो। रीड इट इफ यू कैन, इसे पढ़ लो, पढ़ सको तो पढ़ लो, इट यहाँ का ऑब्जेक्ट है, इसे पढ़ लो, इसे पढ़ लो। गो इफ यू कैन, जा सको तो जाओ, जा सको तो जाओ, कोई ऑब्जेक्ट या कोई अदर वर्ड्स नहीं है गो के बाद। पोस्टपोन इफ यू कैन, टाल सको तो टाल देना, कोई काम टाल सको तो टाल देना। लीव इफ यू कैन, छोड़ सको तो छोड़ देना। सेंड मनी इफ यू कैन, सेंड मनी, पैसे भेज सको तो भेज देना, पैसे भेज सको तो भेज देना। टेल हिम इफ यू कैन, यहाँ हिम ऑब्जेक्ट है, मनी ऑब्जेक्ट है, इतना ध्यान रखिएगा। तो टेल हिम इफ यू कैन, उसे बता सको तो बता देना, उसे बता सको तो बता देना। सेंड मनी इफ यू कैन, पैसे भेज सको तो भेजवा देना, भेज देना। लर्न दिस लेसन इफ यू कैन, दिस लेसन ऑब्जेक्ट है, लर्न सीख लेना, ये पार्ट
सीख सकते हो तो सीख लेना, राइट इट इफ यू कैन, लिख सको तो लिख लेना, डिक्टेट लिखवाना, लिखवाना डिक्टेट इफ यू कैन, लिखवा सकते हो तो लिखवा देना, कम इन द पार्टी इफ यू कैन, कम इन द पार्टी इफ यू कैन, पार्टी में आ सको तो आ जाना, पार्टी में आ सको तो आ जाना, कॉल मी इफ यू कैन, नंबर मेरा है, अगर फोन करना चाहो तो कर लेना, करना चाहना तो कर लेना, कॉल मी इफ यू कैन, अर्थात दूसरा अर्थ निकाले हम कि कॉल बुला सको तो बुला लेना, बुला सको तो बुला लेना, मीट मी इफ यू कैन, मीट मी मुझसे मिल सको तो मिल लेना, मुझसे मिल सको तो मिल लेना, कॉल हिम हियर इफ यू कैन, उसे यहाँ बुला सको तो बुला लेना, हियर यहाँ का जो है अदर वर्ड्स है ना कि ऑब्जेक्ट है, ध्यान देना, यहाँ का मी ऑब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है, तो अदर वर्ड्स और ऑब्जेक्ट में अंतर होता है, उसको आप जाके सीखो, मेरी वीडियो देखो आप, वॉच माई यूट्यूब चैनल, वॉच माई यूट्यूब चैनल इफ यू कैन, वॉच माई यूट्यूब चैनल इफ यू कैन, अगर मेरा यूट्यूब चैनल देख सको तो देख लेना, मेरा यूट्यूब चैनल देख सको तो देख लेना, शो मी इफ यू कैन, दिखा सकना तो दिखा देना, तो इस तरह से आपको इफ और कैन जोड़ करके इंपरेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसमें यू अंडरस्टूड रहता है उसको मैंने आपको बताया। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया लेकर के, धन्यवाद, नमस्कार।